हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग ठीक होंगे। आज मैं एक ब्लॉग लेके आई हूँ अपने चैनल पे। ये मेरे चैनल का फर्स्ट ब्लॉग है। ये हम लोग काली माता के मंदिर जा रहे हैं, जो आपको टॉप पे दिख रहा है वही मंदिर है। हम लोग वहीं पे अभी जा रहे हैं। अभी मैं बाइक पे हूँ, हमने रास्ते से स्टार्ट कर दिया था ताकि दूर से उसका व्यू आप लोग को देखने को मिले। आपको इतने सुंदर सुंदर व्यू देखने को मिलेंगे ना कि मतलब कंफ्यूज हो जाते हैं हम कि कहाँ पे खड़े होके पिक लेने लगे, कहाँ वीडियो बनाएं। सारा ही सब कुछ इतना सुंदर लगता है। ये देखिए, हम थोड़ा ऊपर चढ़ गए हैं, वहाँ से नीचे ये एयरपोर्ट है, वहाँ का दिख रहा है। यहाँ पे हम अपनी बाइक पार्क करेंगे और उसके बाद फिर स्टेयर से जाएंगे। अब हम यहाँ से चढ़ना स्टार्ट करेंगे ऊपर। काफ़ी तो हम ऊपर बाइक से ही आ गए हैं, रास्ता काफ़ी ऊपर तक है बाइक का, बाइक लेके आने के लिए। ये यहाँ से स्टेयर लगी हुई है, यहाँ से अब हमने स्टार्ट किया है ऊपर चढ़ना। यहाँ से स्टेयर स्टार्ट हैं, हम लोग यहीं यहाँ से जा रहे हैं पैदल ऊपर। जो है सीढ़ियों से जाना है ऊपर तक। देख सकते हैं आप लोग, जैसा कि ये देखिए, मैं भी जो है मैंने मास्क वास्क लगा रखा है। एक्चुअली यहाँ मतलब भीड़ उड़ तो बहुत नहीं थी, बट अपनी सेफ्टी के लिए मास्क लगा के ही रखना ज़्यादा ठीक लगा मुझे। यहाँ पर जो है मैंने हस्बैंड को अपने इसमें वीडियो में हेलो बोलने को कहा, तो उन्हें लगा मैं पिक्चर क्लिक कर रही हूँ, तो जैकेट वैकेट निकाल के पूरा पोज देने लगे। तो चलिए अब मैं ऊपर चढ़ के आप लोगों से मिलती हूँ। यहाँ पे मैं आप लोगों के साथ अपना छोटा सा इंट्रोडक्शन दे देती हूँ। मेरा नाम श्रद्धा यादव है और मैं इस समय लेह लद्दाख में रह रही हूँ। मेरे हस्बैंड पैरामिलिट्री फोर्स में हैं, तो उनकी पोस्टिंग हुई है। जो लोग नहीं जानते हैं मुझे, उनके लिए ये छोटा सा इंट्रोडक्शन था। आगे आने वाले वीडियो में अपना डिटेल इंट्रोडक्शन भी मैं बनाऊंगी। यहाँ पर ये मंदिर का सामने गेट है, ये इसके पहले जो गेट गया वही मंदिर का गेट है। एक्चुअली अंदर उन्होंने पिक वगैरह लेने नहीं दिया, अंदर सख्त मना था मतलब पिक लेना। तो ये मैं सामने का वीडियो आप लोगों को दिखा रही हूँ। और ये मंदिर जो है 1100 साल पुराना है। बहुत बड़ी बड़ी काली माता की मूर्तियाँ थी। इतनी बड़ी मूर्ति मैंने कभी नहीं देखी, मतलब मंदिर में नहीं देखी। हम पंडाल वगैरह में जो दुर्गा पूजा पे रखते हैं उनमें तो बहुत बड़ी बड़ी मूर्तियाँ होती हैं, बट ऐसे एक पहाड़ के अंदर इतना सुंदर था अंदर, बट अंदर की पिक ही नहीं, अंदर फोन उन्होंने बिल्कुल मना कर रखा था कि बिल्कुल भी एक भी आप नहीं चला सकते हैं। सब जगह पे सीसीटीवी लगी थी, इसलिए मैंने बिल्कुल भी रिस्क नहीं लिया। अब यहाँ पे हम मंदिर के पीछे जा रहे हैं। पीछे जो है एक बुद्ध जी की बहुत बड़ी सी प्रतिमा है, तो वहीं पे जा रहे हैं। ये मैंने अपने हस्बैंड को फ़ोन दे दिया, वो मेरा वीडियो ले रहे हैं। वैसे मैं वीडियो में बोल रही थी पर वहाँ हवा इतनी तेज़ चल रही थी इसलिए वो आवाज़ क्लियर नहीं आ रही है, इसलिए मैंने बाद में वॉइस ओवर किया, क्योंकि वो कुछ भी नहीं समझ में आ रहा था कि मैं क्या बोल रही हूँ। और आप देख रहे हैं ऊपर से कितना सुंदर व्यू है। वो देखिए, वो नदी जा रही है, पीछे पहाड़ है, फिर नदी है, फिर ग्राउंड है, और फिर इधर हम ऊपर मंदिर के पास खड़े हैं। ये पूरा मंदिर ही है, ये देखिए पहाड़ के ऊपर से ही सारा सब कुछ ऊपर ही बना रखा है। तो अभी मैं जा रही हूँ आगे, बुद्ध जी की प्रतिमा है वहाँ पे। और ये पीछे जो आपको दिख रहा है ना, ये नीचे से तो रोड है और उधर वो एयरपोर्ट, ले एयरपोर्ट है ना, उसका रनवे वगैरह है। और ये मेरा फर्स्ट ब्लॉग है, मैंने इसके पहले कभी भी कोई भी ब्लॉग नहीं बनाया। ये नदी है, ये सिंधु नदी है, यहाँ पे मैं आपको जूम करके दिखा रही हूँ। देखिए यहाँ पे मुझसे कैमरा मतलब एकदम अच्छे से सेट नहीं हो पा रहा है, बहुत ही हिल रहा है हाथ वगैरह मुझसे। इसके पहले मैंने कभी ब्लॉगिंग वगैरह तो की नहीं है, ये मेरा फर्स्ट ब्लॉग है, तो प्लीज़ इग्नोर करिएगा। अभी तो मेरे हस्बैंड के हाथ में है फ़ोन, बट आगे भी आप देखेंगे मैंने बहुत ज़्यादा हिलाया हुआ है, मैं बिल्कुल ही अच्छे से नहीं हैंडल कर पा रही थी। बट इन फ्यूचर मैं इस पे काम करूँगी और कोशिश करूँगी अच्छे से अच्छा ब्लॉग लेके आऊँ, तो प्लीज़ इग्नोर करिएगा। और यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मैं खड़ी हो गई, ये ऊपर हम लोग पहुँच गए हैं। यहाँ पर बुद्ध जी की बहुत बड़ी सी प्रतिमा रखी है और पूरा ग्राउंड ओपन सा ग्राउंड बना हुआ है। वैसे लोग यहाँ आते होंगे, अभी तो ये कोविड के कारण बिल्कुल भी भीड़ नहीं थी, बस दो चार लोग ही थे। पूरा एकदम बहुत ही शांत और इतना अच्छा लग रहा था ना वहाँ कि ऐसे मन कर रहा था। ये जो आपको रास्ता दिख रहा है ना, यहीं से हम बाइक लेके ऊपर आए हैं। ये बाइक के लिए ऊपर, काफ़ी ऊपर तक तो आप आ सकते हैं अपनी बाइक या गाड़ी लेकर। ये देखिए,
इन फ्यूचर अगर कभी आप लेह लद्दाख की ट्रिप पे आते हैं तो आप जो है ये काली माता के मंदिर का दर्शन ज़रूर करिए, काफ़ी अच्छा है यहाँ पे। आप अंदर जो देखेंगे ना तो इतना पुराना है सब कुछ, लेकिन उसको इतना अच्छे से मेंटेन करके रखा है कि बहुत। ऐसी मोबाइल सही वाली थी। इतनी तेज धूप है। यहाँ पर मेरे बेटे को बड़ी मस्ती आ रही है, अयो अयो कर रहा है, कुछ भी बोल रहा है। तो यहाँ से अब हम लोग नीचे की ओर उतर रहे हैं। अभी इसके बाद एक वीडियो है, वो बहुत फनी सा है, मैंने शॉर्टकट लिया है और उस शॉर्टकट के चक्कर में मैं गिरने से बची हूँ। तो अभी हम नीचे उतर रहे हैं स्टेयर से। ये हम मंदिर के पीछे के साइड से एक रास्ता था, वहाँ से उतर आए, जो कि थोड़ा जल्दी पहुँच गए हम नीचे। ये देखिए यहाँ पे मैं ज़्यादा सीढ़ियाँ ना उतरनी पड़े, इसके लिए मैंने एक बीच से शॉर्टकट लिया जो कि बहुत ही खतरनाक था, बट मैं गिरते गिरते कई बार बची। फाइनली मैं नीचे तक पहुँच गई, नहीं मतलब गिरी नहीं, काफ़ी सीढ़ियाँ चल उतरने से बच गई मैं। मुझे तो लगा था मैं गिर जाऊँगी, बट फाइनली मैं बच गई थी और पहुँच गई थी किसी तरह नीचे। धूप इतनी तेज़ थी कि मुझे जो है गूगल के करंट समझ नहीं आ रहा था फ़ोन में, मतलब मैं खुद भी दिख नहीं रही थी, इसलिए मैंने एक बार गूगल ऊपर किया और फिर फ़ोन में देखा कि हाँ मैं दिख रही हूँ। ये जहाँ पे मैं दिखा रही हूँ अभी, ये पीछे से एक रास्ता आया है पूरा नीचे मेन रोड से, जो है आपको ऊपर तक पैदल अगर आना चाहते हैं, हम तो काफ़ी ऊपर तक बाइक से आ गए थे, तो ये वो रास्ता है। तो यहाँ पे सॉरी फ्रेंड्स, मैं मंदिर के अंदर क्या कुछ नहीं दिखा पाई अभी, उसमें मेरी कोई गलती नहीं है, यहाँ पे मना था तो अभी मैं उनके रूल तो नहीं तोड़ सकती थी, या मैं अपनी वीडियो के लिए इतनी रिस्क भी नहीं ले सकती थी कि मैं चोरी से जाऊँ करूँ अंदर वीडियो बनाऊँ। तो अभी यहाँ से अब हम लोग जो है घर जा रहे हैं, मैं रास्ते का थोड़ा सा व्यू इंक्लूड करूँगी बाइक पे चलते चलते ही, तो वीडियो देखते रहिए साथ में। आगे आने वाले टाइम में मेरे चैनल पे आप लोग को स्टाइलिंग और फैशन के वीडियो के साथ साथ ट्रेवलिंग ब्लॉग और भी देखने को मिलेंगे। ये मेरा पहला ब्लॉग था, ये बहुत अच्छा नहीं बना है मुझे पता है, बट इग्नोर करिएगा आप लोग। आगे आने वाले टाइम में मैं यहीं लेह के आसपास के बहुत अच्छी अच्छी जगह है वहाँ पर की वीडियो आपके पास लेके आऊँगी, साथ में जो है लद्दाख के जो है कैसे घर होते हैं लेह लद्दाख के, एक हाउस टूर वगैरह भी लेके आऊँगी, और कैसे इन लोग मतलब कैसे यहाँ तो सरवाइव करना इतना आसान नहीं है। अभी ये सितंबर है तो आप देख रहे हैं मेरे हस्बैंड जैकेट पहने हुए हैं, मैं तो धूप थी मैंने नहीं पहना था, बट जो है सितंबर में अच्छी खासी ठंड है, ऐसी ठंड है जो अपने यहाँ नवंबर लास्ट में ठंड रहती है। तो आगे आगे अभी देखते हैं कितना मुश्किल होगा, काफ़ी टफ होगा आई नो, बट जो है देखते हैं। वैसे तो मैं दिवाली के आसपास चली जाऊंगी, इस बार तो यहाँ नहीं रहूंगी, लेकिन यहाँ के लोग मतलब कैसे सरवाइव करते हैं और यहाँ ठंड में कैसे क्या क्या होता है आपको मेरे आने वाले वीडियोस में देखने को मिलेगा। यहाँ से हम लोग अब नीचे आ गए हैं, मेन रोड पे चलने लगे हैं, जा रहे हैं अपने घर की तरफ। अभी आपको जो है देखिए ये रास्ता दिखाती हूँ, कितना सुंदर, मतलब थोड़ा सा नए लोगों के लिए थोड़ा सा डरावना लगता है, फर्स्ट टाइम मैं बाइक से आ रही थी तो मुझे डर लग रहा था। ये यहाँ
पे अब हम लोग जो है एयरपोर्ट के पास से जा रहे हैं। ये एयरपोर्ट है जो उसके साइड से ही रोड बनी है, और यहाँ के रास्ते वगैरह ना मतलब बहुत थोड़े से डरावने हैं, पर अच्छे बहुत लगते हैं। इतने सुंदर सुंदर व्यू दिखते हैं। आप रोड पे भी चलते रहिए ना, मतलब कहीं स्पेशल घूमने मत जाइए, रोड पे ही चलते रहिए तो भी आपको बहुत सुंदर व्यू दिखेगा। यहाँ से अभी एक फाइटर प्लेन गया ऊपर से, एयरफोर्स वालों का था शायद, तो पास में ही जो है एयरपोर्ट है तो वहीं अपना लैंड वैंड कर रहा होगा। ये देखिए रोड से आप लोगों को मंदिर दिख रहा है ना, वहीं पे अभी हम लोग गए थे। चलिए वीडियो को पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको मेरा ब्लॉग पसंद आया हो तो प्लीज़ 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 वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और मेरे साथ ऐसे ही जुड़े रहिए, और बेल आइकन ज़रूर दबा लीजिए ताकि जो है मेरे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको ज़रूर मिले। तब तक मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू, टेक केयर।